Hello and welcome to Incredible Abhishek. So, we are continuing with our polity lecture series, and in this video, we are going to start the new chapter on the governor. So, we are done with the union part, we have seen union executive, we have seen union legislature, then we have seen the judiciary part. जुडिशियरी इज नॉट बाइफ़र्केटेड इन टू यूनियन और स्टेट बिकॉज इट इज़ एन इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट सिस्टम बट वी हैव सीन द पार्ट फाइव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने जब उसको पढ़ना शुरू किया था देन आई टोल्ड यू दैट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी आर द थ्री पिलर थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्मेंट एंड एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज लेचर का काम है टू लेजि लॉज जुडिशियरीज देयर टू इंटरप्रेट एंड टू डू इंश्योर जस्टिस इन द सोसाइटी इन द कंट्री तो ये हमने इंडिया बींग अ फेडरल कंट्री हमारे यहाँ दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं दैट इज़ द यूनियन एंड द स्टेट्स तो हमने अगर यूनियन लेवल पे ये सब देख लिया है देन वी ट्राई टू सी दैम इन द स्टेट्स नाउ तो अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट सिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बेसिकली द गवर्नर दैट टॉक्स अबाउट गवर्नर राइट सो व्हेन बात आती है स्टेट्स की जब बात आती है राज्य सरकारों की तो कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी पहले तो यह है कि जब हमने यूनियन पहले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि आप प्रेसिडेंट वाला चैप्टर जो है वो रिवाइज करके आएंगे है ना क्यों बोला था मैंने क्योंकि द सिमिलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूनियन टू द स्टेट्स जिस स्ट्रक्चर को जिस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है यूनियन लेवल पे द सेम स्ट्रक्चर हैज बीन फॉलोड एट द स्टेट्स लेवल द टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट हैज बीन स्टैब्लिश एट द यूनियन लेवल द सिमिलर डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज बीन स्टैब्लिश एट द स्टेट्स लेवल राइट सो अगर हम बात कर रहे थे यूनियन में दैट द एग्जीक्यूटिव जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके दो हेड्स हेड एक नॉमिनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एक रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ ऑफ़ इंडिया एंड काउंसिल मिनिस्टर्स। स्टेट्स में हम बात करते हैं द नॉमिनल हेड इज द गवर्नर एंड द रियल हेड इज द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द वे नॉमिनल हेड यहां पे

Now the next thing, हमने जो देखा था वो देखा था कि चीफ मिनिस्टर जैसे वहाँ प्राइम मिनिस्टर होते थे उनके अंदर में सारे डिसीजन लिए जाते थे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तरीके से होते हैं फिर यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जैसे वहाँ पार्लियामेंट थी वहां पे दो हाउस इज मैंडेटरी यहाँ पे किसी किसी स्टेट के पास दैट इज टू बी प्रोसाइज सिक्स स्टेट के पास टू हाउसेज है बाकी जितने भी ट्वेंटी टू स्टेट है उनके पास सिंगल हाउस है ट इज कॉल्ड लेजिसलेटिव असेंबली क्या होता है यह सब ठीक है तो दिंग इज की जिस तरीके से द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दैट वॉज एस्टैब्लिस्ड इन दूनियन लेवल जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव यूज टू बी देर इन दिमिलर फैशन इन दिमिलर फैशन ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेम रिप्रेजेंटेटिव यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं लोगों की एक होती है उस में जो भी 18 प्लस के लोग हैं दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट एंड दिस कैंडिडेट बिकम्स द पे क्या एमपी बन रहे थे लोकसभा में सिमिलरली यहां एमएलए बनते हैं इस गव, इस, इसी तरीके का हाउस है इसमें कुछ एम हैं MLS के ऊपर होगा वो हम वाले में पढ़ेंगे बट कि दोनों जगह सारे लेजिस्लेटर हैं इनमें से कुछ को हम सिलेक्ट कर लेंगे जो एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स जैसे वहां हम करते थे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ तो right? तो नोट पे वील स्टार्ट चैप्टर ऑफ गवर्नर बिकॉज वहाँ हमने एग्जीक्यूटिव की शुरुआत की थी तो प्रेसिडेंट से की थी यहाँ हम करेंगे तो हम गवर्नर से करेंगे बिकॉज़ दे बोथ हैव अकॉर्डेड द सिमिलर इन द रिस्पेक्टिव डोमेन्स क्या मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन uh, में जो स्टेटस प्रेसिडेंट का है वही स्टेटस गवर्नर का है स्टेट गवर्नमेंट की डोमेन में राइट ऑन दिस नोट लेट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ गवर्नर

जैसे कि सेंटर में था वॉट डज दिस मीन गवर्नर है चीफ मिनिस्टर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अब एक डिफरेंस क्या है दैट इन द स्टेट देर इज नो वाइस गवर्नर देर इज नो वाइस गवर्नर हमने देखा था ना वहां पे एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता था प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्लस अटोर्नी जनरल यहां पे क्या है प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर पीएम की जगह सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल की जगह एडवोकेट जनरल सिर्फ ये एक ऑफिस है जिसका कोई रेप्लिका स्टेट में नहीं है यानी आपको ध्यान रखना है स्टेट में कोई वाइस गवर्नर नहीं होते हैं करेक्ट ठीक तो स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या क्या हो गई मैंने आपको बता दिया आप खुद से बताएं एक बार रिकॉल करें सबसे पहले गवर्नर चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवोकेट जनरल ये हो गया स्टेट के एग्जीक्यूटिव ठीक है गवर्नर कौन है गवर्नर इज द चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव के रियल चीफ है या नॉमिनल है ऑफ कोर्स है ये हमने देख लिया था उस टाइम भी नॉमिनल है मतलब एक सिंबॉलिक है रियल पावर नहीं है इनके पास ये सिंबॉलिक है राइट जितने डिसीजन होते हैं वो जिस टाइटल में लिए जाते हैं वो जिस के नाम पे लिए जाते हैं वो गवर्नर है।, है ना ठीक है तो ये है गवर्नर का स्टेटस ये है एग्जीक्यूटिव आते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होगा गवर्नर का कैसे बनेंगे गवर्नर कैसे बनेंगे तो पहले तो एक डिफरेंस ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट जो थे ना वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे मैंने आपको बोला था रिवाइज करने के लिए आपको पता होगा कि वो कैसे इलेक्ट होते थे इनडायरेक्टली आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स आते थे मतलब प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करने के लिए कौन कौन से लोग वोट देते थे ये आप कॉमेंट्स में बताएंगे ठीक है लेकिन यहां पे क्या डिफरेंस है इन द सिस्टम ऑफ गवर्नर कि ना तो ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं मतलब इनका तो इलेक्शन ही नहीं होता है किसी भी तरीके का कोई से भी लोग ना तो हमारे आपके जैसे डायरेक्टली लोग करते हैं वोट और ना ही तो जो ग एम पी एम हैं वो करते हैं मतलब ये तो सिर्फ अपॉइंट होते हैं कौन अपॉइंट करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये देखिए ये एक बड़ा गड़बड़ सीन है क्या गड़बड़ सीन है समझिए इंडिया को हम बोल रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्या मतलब होता है फेडरल कंट्री का कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है दिस इज लेवल वन दिस इज लेवल टू ये है यूनियन गवर्नमेंट ये है स्टेट गवर्नमेंट है ना यूनियन गवर्नमेंट के हेड है प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के हेड है गवर्नर तो फेडरलिज्म के कंसेप्ट के हिसाब से ये दोनों लेवल को बिल्कुल अलग अलग फंक्शन करना चाहिए जैसे कि यूएस में होता है यूएस एक एब्सोल्यूट फेडरल कंट्री है वहां पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे डू नॉट इंटरमिक्स विथ ईच अदर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है दोनों दे आर टोटली इंडिपेंडेंट इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स बट यहां पे क्या सिस्टम है इंडिया में क्या चेंज uh, आता है उस ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म से दैट इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो एक क्वाजी फेडरलिज्म है क्वाजी फेडरलिज्म का मतलब होता है कि इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट फेडरल कंट्री इट इज राधर क्वाजी फेडरल का मतलब हुआ कि हम थोड़े से फॉल्स फेडरल हैं हम थोड़े से लेस फेडरल हैं हमारे यहां कुछ फेडरलिज्म के कंसेप्ट तो हैं लेकिन हमारे यहाँ कुछ कुछ यूनिटरी सिस्टम्स भी हैं जो हमें फेडरलिज्म से अलग दिखाई देते हैं अब आप एक बात समझिए गवर्नर जो कि स्टेट गवर्नमेंट का चीफ है चीफ एग्जीक्यूटिव है उसकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि यूनियन गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव है तो मतलब गवर्नर अगर किसी को कोई अपॉइंट कर रहा है सीधा अपॉइंट कर रहा है बिना किसी इलेक्शन के प्रेसिडेंट तो पीएम को भी अपॉइंट करते हैं बट पीएम पावरफुल बिकॉज पीएम को वो डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते हैं अपनी मर्जी से जिन पार्टी के लीडर की मेजोरिटी आएगी लोअर हाउस में उसको ही पीएम बनाना है उन्हें बट यहां तो कोई इलेक्शन नहीं है यहां तो आप अपनी मर्जी पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को वो अपॉइंट करना पड़ेगा मतलब द ऑफिस ऑफ गवर्नर ये तो टोटली totally सब टोटली सबऑर्डिनेट हो गया यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तो, totally तो क्रिटिक्स जो, जो गवर्नर के ऑफिस को बोलते हैं कि ये तो एजेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट्स में राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं गवर्नर कैसे आप खुद ही सोचिए मान लीजिए कि सेंट अभी अभी का सीन मानते हैं मान लीजिए यूनियन में यूनियन में क्या है यूनियन में किसकी सरकार है यूनियन में सरकार है बीजेपी की ठीक है यानी जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे बिलोंग टू बीजेपी मान लीजिए हम एक स्टेट लेते हैं वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार है तृणमूल कांग्रेस की जिसकी लीडर हैं श्री ममता बनर्जी जी ठीक है. अब आप एक बात समझिए वेस्ट बंगाल में भी एक गवर्नर होंगे है ना तो वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर होंगे उनको कौन अपॉइंट कर रहा है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट इज अपॉइंटिंग ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी जो प्रेसिडेंट है तो ये जो गवर्नर होंगे जो बीजेपी बीजेपी पार्टी लेड गवर्नमेंट इन यूनियन जो ये मिनिस्टर्स के एडवाइस पे जो द्रौपदी मुर्मू जी अपॉइंट करेंगी क्या आपको लगता है कि कोई भी गवर्नर अगर, अगर अपॉइंट करेगा तो इट विल बी अ अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है तो दिस गवर्नर हैज नो लॉयल्टी विद द स्टेट दिस गवर्नर हैज नो लॉयल्टी विद द स्टेट दिस गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट तो ये तो एक तरीके से एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेंगे बिकॉज़ इनको तो रखा गया है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा उन्होंने एडवाइस हाँ आप तो, so, तो आपको लग रहा होगा कि भाई इनके हम इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं क्यों अपॉइंटमेंट में छोड़ रखा है देखो प्रेसिडेंट का हमने ही कराया तो कोई दिक्कत नहीं है कोई क्रिटिसिज्म नहीं आता ऐसे. तो सी थिंग वॉज की पहली चीज तो ये कि हमने क्यों नहीं रखा यह समझने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा प्रैक्टिकल इस सेंस में होना पड़ेगा कि पहले तो स्टेट्स में हमने क्या बोला है स्टेट्स में क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम है है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या सीन होता है कि एक चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट्स में प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोगों के क्योंकि ये उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो लोगों ने इलेक्ट किया है इन्हें तो यानी डेमोक्रेसी में जिनको लोगों ने इलेक्ट किया हो दे आर द मोस्ट पावरफुल अब वहां पे ही आप कह रहे हैं कि हमें गवर्नर के भी इलेक्शन करा देने चाहिए तो अगर आप एक बात समझिए अगर गवर्नर का भी इलेक्शन हो जाएगा तब तो सिंपल सिंपल ये हो जाएगा कि एक ही स्टेट में दो अलग अलग डेमोक्रेटिक फ्रंट बन जाएगा डेमोक्रेटिक पोल बन जाएगा गवर्नर के पास भी लोगों का मैंडेट है चीफ मिनिस्टर के पास भी लोगों का मैंडेट है तो पहले तो ये बन जाएगा दो पोल जहां पे पावर होगा क्योंकि दोनों डेमोक्रेटिक है ना लोगों ने बनाया बट उसका उससे दिक्कत क्या आएगी दिक्कत ये आएगी कि मान लीजिए हम गवर्नर को तो बना रहे हैं एक नोमिनल हेड गवर्नर को तो हम एक नोमिनल हेड बना रहे हैं आपने गवर्नर को डायरेक्टली इलेक्ट किया डेमोक्रेटिक मैंडेट दिया उसको लोगों ने वोट दिया खर्चा हुआ उस इलेक्शन में और जब उन सारे चीजों से निकलने के बाद एक आपको गवर्नर मिले तो आपने उनको कोई रियल पावर नहीं दिया आपने उनको नॉमिनल हेड बना दिया कि बस आप तो एक सिंबॉलिक हेड हैं तो जब आपको सिंबॉलिक हेड ही बनाना है तो आपको क्यों डायरेक्ट इलेक्शन कराने हैं इतने खर्चे करके और कहीं ना कहीं अगर ये चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर जिन दोनों के पास डेमोक्रेटिक मैंडेट होता अगर इलेक्शन होते तो और ये दोनों डिफरेंट आइडियोलॉजी डिफरेंट मैचअप के होते तब तो ये डेवलपमेंटल वर्क पे हॉल्ट होता ये तो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते इनके डिसीजनस ये नहीं मानते इनके डिसीजनस ये नहीं मानते क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है दोनों में से किसी को हार इसलिए नहीं मानना है क्योंकि दोनों डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आए होते तो ये सब लॉजिकल प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के बेसिस पे हमने बोला कि जब हमें पावर्स देने ही नहीं है उन्हें जब हमें डेवलपमेंट इंश्योर करना है तो हम क्यों करें ऐसा जिससे और कॉन्फ्लिक बढ़े तो दिस वॉज द रीजन कि हमने डिसाइड किया दैट वी आर नॉट गोइंग विद दिस सेटअप राइट नेक्स्ट चीज नेक्स्ट चीज ये आती है कि अपॉइंटमेंट हमने क्यों दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अपॉइंटमेंट ही देना था अगर अपॉइंट ही करना है तो हमने फेडरलिज्म को कॉम्प्रोमाइज क्यों किया हमने क्यों क्वाज़ी फेडरल कर दिया तो अब एक और बात समझते हैं बात यह समझनी है है, कि जो इंडियन इंडियन सेटअप सेटअप फेडरल जो था, हमारी 1947 में हुई इंडिपेंडेंस ठीक है सिर्फ इंडिपेंडेंस नहीं हुआ 1947 में हुआ बंटवारा 1957 में हुआ पार्टीशन 1947 में हुआ पार्टीशन पार्टीशन के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई जैसे कि सेसेशनिज्म सेपरेटिज्म क्या मतलब होता है इनका इनका मतलब होता है कि इंडिया से अलग होने की मूवमेंट इंडिपेंडेंस की मूवमेंट आपने सुना होगा नागालैंड में ग्रेटर नागालिम बनाने की जो मूवमेंट है बहुत जगह आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट में और भी हैं जैसे बोडोज बोडोलैंड की बात होती है सिमिलरली जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी और ये जो 1947 फोर्टी सेवन टू फिफ्टी वन का टाइम था इस बीच में हैदराबाद कश्मीर जूनागढ़ उससे पहले तो आ, कोर में भी भोपाल में भी थोड़ा बहुत दिक्कत थी समझ रहे हैं? अब ये सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे अब क्या था कि इंडिया जब एक इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आई तो हमने देखा कि हमारे यहाँ बहुत ऐसे स्टेट्स हैं बहुत ऐसे पॉकेट्स हैं बहुत ऐसे रीजनस हैं जहां पर इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही है कि उन्हें इंडिया से इंडिपेंडेंट होना है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसा भसड़ करके छोड़ा था सब कुछ कि दिस वॉज द वेरी नॉर्मल थिंग दैट फॉलोड यह होना ही था जिस तरीके से उन्होंने अबेंडन किया था लास्ट में तो अगर ऐसा है और उस समय हम अगर बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट फ्रीडम की एब्सोल्यूट फेडरलिज्म की तब तो ये सिर्फ एक ही चीज करने वाला है ये एक ऐसा सिस्टम बना देगा जहां पे यू विल एड द सेपरेटिस्ट मूवमेंट बिकॉज आपने क्या किया एब्सोल्यूट फेडरलिज्म एब्सोल्यूट फेडरलिज्म एब्सोल्यूट फेडरलिज्म की नारे लगाते हुए आपने उन इंडिपेंडेंट टेरिटरीज को इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पावर्स दे दिए टू गवर्न उस टाइम ऐसा सिचुएशन था अब हैदराबाद हैदराबाद जैसा स्टेट वाज डिमांडिंग इंडिपेंडेंस या तो इंडिपेंडेंस या पाकिस्तान से ज्वाइन करने का अब जस्ट इमेजिन द मैप ऑफ इंडिया एंड इमेजिन हैदराबाद एंड देन इमेजिन पाकिस्तान दूर दूर तक नो कनेक्शन एंड ये सारे कौन ले रहा था ये सारे डिसीजन लोगों के नहीं थे ये एक फेनेटिक रूलर वहां का ऐसे ऐसे जगहों का एक फेनेटिक रूलर जिसको अपने इंडिविजुअल एम्बिशंस थे वो अपने पूरे प्रजा की सारी बातें उनके डिमांड्स उनके क्या चॉइसेस सिर्फ देख रहे थे अब अगर आप और लोगों का तो पूरा मतलब लाइफ ही खराब हो जाता आप सोचो ना कि अगर हैदराबाद मान लीजिए ये बोलता कि हमें पाकिस्तान से मिलना है इतनी पावर हम इंडिपेंडेंस दे देते कि हाँ आप फेडरल हैं आप ले लें और हैदराबाद अगर वो बोलते हैं रूलर की हम पाकिस्तान का पार्ट बनते हैं जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ द सिटीजन लिविंग इन हैदराबाद सिमिलर थिंग हैपेंड इन बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान जिसको बोलते हैं कहीं से भी देर नॉट लिंक्ड वॉट हैपेंड 25 फाइव इन भी नहीं चल पाया सिस्टम 25 साल भी नहीं चला एंड इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया बांग्लादेश तो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स वे विजनरी इनफ टू अंडरस्टैंड दीज सिचुएशन दैट इज वाई हमने बोला कि नहीं इंडिया की जो हिस्ट्री है इंडिया की जो हिस्टोरिकल सेटअप है इंडिया की जो सोशल सेटअप है इंडिया की जो इकोनॉमिक सेटअप है इंडिया की हिस्टोरिकल प्लस इकोनॉमिक प्लस सोशल सेटअप प्लस पोलिटिकल सेटअप ये सारे नहीं अलाउ करते हैं दे डोंट अलाउ अ टोटल फेडरल कंट्री लाइक यू हमारे यहां हमारी नीड ऑफ द आवर हैल सेटअप एंड दैट इज वाई हमने बोला कि स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन किसी ना किसी तरीके से इज वेरी क्रूशियल सो दैट द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया इज में समझ में आया यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एक फ्रेज है ना जो हमने प्रियम्बल में पढ़ा है कही कहीं कहीं यूनिटी एंड इंटेग्रिटी बचाने के लिए ना हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ा कि गवर्नर जो होंगे वो एक एजेंट की तरह काम करेंगे सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नर तो दिस इज हाउ दिस सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डेवलप्ड अब पहले हम फेडरलिज्म का पीपुड़ी बजाएंगे या फिर हम पहले अपनी कंट्री की यूनिटी देखेंगे फेडरलिज्म हमें जहां जहां देना था जहां हमारी चीजें अलाउ कर सकती थी जहां से डेवलपमेंट हुआ हमने दिया लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम फेडरल का टैग ले लें और उसकी वजह से हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी ना बने बची रहे हमारी कंट्री के डिविजन हो जाए हमारी कंट्री के पार्टीशन हो जाए लोगों को तकलीफ हो लोगों की लाइफ खराब हो जाए तो क्या फायदा ऐसे फेडरलिज्म का यूएस में ये पॉसिबल था उन्होंने दिया हमारे यहाँ जो पॉसिबल है हम दे रहे हैं जहां नहीं है वहां सॉरी वी कैन नॉट हम एक यूनिटरी कंट्री भी तो नहीं है ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट्स का कुछ नहीं वही सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठे बैठे तमिलनाडु की भी पॉलिसी बनाएगी अरुणाचल की भी बनाएगी नहीं हमने बोला है कि अरुणाचल के स्पेशल नीड्स हैं तमिलनाडु के स्पेशल नीड्स हैं वहां की गवर्नमेंट होगी वो चलाएंगी वो मैनेज करेंगी लोगों का भला होना चाहिए हमारे यहाँ लोगों का भला एब्सोल्यूट फेडरलिज्म में नहीं था दिस इज वॉट वी डिड वॉट इट तो ये एक बैकग्राउंड थी अब तो आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें क्वालिफिकेशन एज गवर्नर देखो क्वालिफिकेशन तो बहुत मुश्किल है गवर्नर बनना बहुत मुश्किल है कैसे मुश्किल है आप इंडिया के होने चाहिए और आपकी 35 होने चाहिए. आप अगर इंडियन है और आपने थर्टी फाइव इन का एज पार कर लिया आपकी एलिजिबिलिटी गवर्नर बनने के लिए आराम से है समझ रहे हैं बात आपको कोई नहीं रोकेगा गवर्नर बनने से तो आप इससे समझ रहे हैं कि गवर्नर का जो पोस्ट है मतलब आपके फैमिली मेंबर में आपसे जो बड़े लोग हैं आपके फादर आपके चाचा आपके मामा आपके फूफा जो भी हैं जो इंडियन हैं और उनकी एज थर्टी फाइव ईयर्स प्लस ही होगी आई एज्यूम तो वो गवर्नर बनने के लिए एलिजिबल हैं एवरी वन ऑफ देम दिस इज द क्वालिफिकेशन दैट इज देयर बहुत मुश्किल है बनना ठीक है है तो ये बात है। तो ये ये बात क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन बट अब ऑफ कोर्स इतनी इतनी बेसिक चीज मतलब इंडिया का हर पैंतीस साल से ऊपर का इंसान जो है वो गवर्नर बन सकता है तो इसका मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट को जो है जिसको अपॉइंट करना है उसके लिए तो बहुत आसान हो गया ना कि वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल कराने वाले किसी भी पर्सन को बना देंगे वो उनकी पार्टी का कोई हो सकता है रिटायर्ड मेंबर हो वो कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट हो सकता है जिन्होंने कभी यूनियन गवर्नमेंट की बहुत हेल्प करी हो और वो अपोजिशन वाले स्टेट में भेज दें उनको ताकि ये उनको हमेशा दबा के रखे ताकि अगले इनका नाम खराब हो उस स्टेट गवर्नमेंट का एंड ऐसी पॉलिटिक्स चल सकती है बट हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना हमें पॉलिटी पढ़ना है तो हुआ क्या कि एक सरकारिया कमीशन बनी सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बनी थी सरकारिया कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए रिकमेंडेशंस इस बात पे दिए कि अगर यूनियन गवर्नमेंट किसी को बनाए गवर्नर तो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करे आपको ये कंडीशंस याद नहीं रखने हैं बस मैं आपको कंटेक्सट के लिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए जैसे कि पहली चीज ये थी कि जिस स्टेट में आपको बनाना है एक गवर्नर आपको एक ऐसा इंसान चुनना है जो उस स्टेट का ना हो सो दैट उसकी कोई स्टेट में पर्सनल एम्बिशंस पर्सनल बायसनेस ना हो अब आप यूपी के इंसान को ही यूपी का गवर्नर बना देंगे तब तो वो बचपन से वहां रहा है उसके सारी फैमिली मेंबर रिलेटिव उधर ही रहते हैं और वो गवर्नर है चीफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव है तब तो बायसनेस बहुत आ जाएगी ना वो उस स्टेट पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड होंगे तो पहली चीज तो स्टेट से बाहर होने चाहिए दूसरी चीज ये है कि एक नॉन एक्टिव मेंबर को बनाना है नॉन एक्टिव कहां पे नॉन एक्टिव इन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में एक नॉन एक्टिव मेंबर को जो है सो बनाना है So that उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस ना हो है ना दूसरा है कि जब आप बनाए किसी को जब यूनियन गवर्नमेंट को ही बनाना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही एडवाइस देंगे कि किसे बनाना है प्रेसिडेंट ही बनाएंगे ठीक है आप करें कौशी फेडरल जरूरी है हम समझते हैं लेकिन आप एक चीज तो करें कम से कम आप चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट तो करें एक बार उनसे बातचीत तो करें सो so दैट ये दोनों सीएम एंड गवर्नर ये दोनों एक दूसरे के टसल में ना आए ऐसा ना हो कि गवर्नर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट फुलफिल कर रहे हैं सीएम जो है वो अपने स्टेट की फुलफिल कर रहे हैं और ये दोनों हमेशा लड़ रहे हैं तो अगर ऐसा ना हो अभी जैसे कि आप न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते हैं तो आप केरला का सुन रहे होंगे कि केरला की स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस केरला के गवर्नर इन दोनों के बीच में टसल चल रहा है तो ऐसा टसल से क्या दिक्कत है ऐसे टसल से क्या है ना कि ये एक हॉल्ट लग जाता है डेवलपमेंटल वर्क पे जो डेवलपमेंट के काम है उस एक हॉल्ट लग जाता मेंटेन so right तो तो अच्छा रहे यूनिटी कम कम, इंटेग्रिटी भी, भी बनी रहे और डेवलपमेंट वर्क भी चलता रहे तो इसी को मध्यम मार्ग बोलते हैं ना गौतम बुद्ध ने बताया था मध्यम मार्ग मिड ऑफ द टू एक्सट्रीम्स तो ये ये सारे दिए क्वालिफिकेशन को लेकर और इसलिए देने पड़े क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बड़े बेसिक चीज तो आप समझ सकते हैं इसमें बहुत करने वाली नहीं है। कोई एमपी या एमएलए नहीं होने चाहिए वो उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कोई ऐसा ऑफिस जो प्रॉफिट जनरेट करके उनको दे क्योंकि ये उनके लिए बायसनेस बनाएगा राजभवन नाम का रेसिडेंस ऑफिशियल रेसिडेंस है जो हर स्टेट में होता है ये आई गेस वेस्ट बंगाल का ही राजभवन है आई एम नॉट श्योर जिसकी फोटो है यहाँ तो राजभवन उनको रेसिडेंस के लिए मिलेगा राष्ट्रपति भवन मिलता है प्रेसिडेंट को तो इनको राजभवन मिल रहा है है ना तो पोर्कस प्रिवलेजेज यानी मॉन्यूमेंट्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेगी उनको ये कोई बड़ी बात नहीं है इससे कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं ठीक है फिर जैसे प्रेसिडेंट को सिमिलर कंडीशन सब कुछ सेम जैसा चल रहा है आप उससे रिलेट करके पढ़ेंगे आपको आसान होगा उनको भी हमने तीन तरीके की इम्यूनिटी दी थी याद है आपको ये सारी चीजें मैंने इसलिए इतने शॉर्ट में दी हैं क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था लास्ट क्लास के एंड में कि आप प्रेसिडेंट रिवाइज करके आएंगे सो दैट जैसे ही आप देखें कि अच्छा क्रिमिनल एक्ट में है इम्यूनिटी सिविल एक्ट में है ऑफिशियल एक्ट में है तो आप रिलेट करें कि हाँ प्रेसिडेंट साहब के पास भी तो था सेम चीज समझ रहे बात तो तीन इम्यूनिटी है ऑफिशियल काम से इम्यूनिटी है कि वो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो डिसीजंस लेंगे उन डिसीजंस में जो है सो कोई वो नहीं आएगा उनमें कोई उनको मना नहीं करेगा लेने से या फिर कोई उन उनपे केस नहीं होगा ठीक है सिमिलरली क्रिमिनल एक्ट से भी है और फिर सिविल एक्ट से भी था दो महीने के नोटिस देने के बाद ही कोई सिविल केस उनके अगेंस्ट हो सकता है तो ये सब बातें ठीक है टर्म ऑफ ऑफिस कितना है अब ये बड़ा खतरनाक चीज है साल का टर्म ऑफ of ऑफिस है यूजुअली बट ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ऑफिस है नो no सिक्योरिटी तो लिखा ही है क्यों लिख रहा हूं मैं नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रेसिडेंट की मर्जी जिस दिन मन किया उस दिन गवर्नर को हटा दिया सोचो गवर्नर जो है ये बिल्कुल प्रेसिडेंट के मर्जी पे हैं, प्रेसिडेंट मर्जी मन किया हटा दिया नॉर्मली पांच साल तक है पांच साल अगर रह गए तो हटेंगे फिर दोबारा होंगे भी हो 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 सकते है, हो सकते हैं हैं कोई दिक्कत नहीं क्या था मिसबिहेवियर लेकिन यहां ऐसा कोई ग्राउंड कोई कंडीशन नहीं है प्रेसिडेंट की मर्जी होगी हटा देंगे यानी गवर्नर साहब जो है ना वो बहुत आराम से बहुत अच्छे से आप जो यूनियन जो यूनियन गवर्नमेंट आपसे चाहता है आप वो करते रहें आप फेथफुली अपना ऑफिस का काम करें अदरवाइज प्रेसिडेंट साहब आपको हटा देंगे अब ये जो चीज है ना ये एक स्कोप देती है कि यूनियन जो यूनियन गवर्नमेंट है ये इंटरवीन करे स्टेट पॉलिटिक्स में स्टेट में मान लीजिए ऑपोजिशन की सरकार है यूनियन में यूनियन के अकॉर्डिंग यूनियन में मान लीजिए बीजेपी है और स्टेट में मान लीजिए आम आदमी पार्टी है फॉर पंजाब है ना दिल्ली इसलिए नहीं बोला क्योंकि दिल्ली दिल्ली इज इज नॉट अ अ स्टेट यूनियन टेरिटरी वहां गवर्नर नहीं होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं तो बीजेपी एक की सरकार है यूनियन में आप की सरकार है पंजाब में अब यहां पे जो गवर्नर हैं वो अपॉइंट हो रहे हैं बीजेपी के मिनिस्टर्स के द्वारा ये जो स्टेट है ये ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है अब जो मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है जहां यूनियन गवर्नमेंट किसी तरीके से ये चाह रही है कि जो गवर्नर है वो कंट्रोल करें स्टेट गवर्नमेंट्स को क्योंकि भाई पॉलिटिक्स भी तो रोल प्ले करता ही है ना पॉलिटी में पॉलिटिक्स का तो रोल होगा ही पावर इज अ थिंग जिसके लिए सब भूखे हैं एंड उस सबके अपने अपने विजन ऑफ डेवलपमेंट एंड सब चाहते हैं कि हमारे विजन ऑफ डेवलपमेंट से वहां पे डेवलपमेंट हो तो उसके लिए हमें इलेक्शन जीतना होगा और इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटी के साथ साथ पॉलिटिक्स की भी जरूरत है तो अगर ऐसा सीन है और यहां पे जो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं पंजाब में ये अगर किसी भी तरीके से जो बीजेपी के मिनिस्टर्स जो प्रेसिडेंट हैं इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं तो भाई साहब आप प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम कर रहे हैं कोई सिक्योरिटी ऑफ नहीं अगर एक दिन भी आपने डिसीजन हमारा हटाया हम आपको हटा देंगे एज अ गवर्नर हम ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं तो ये एक स्कोप बना देता है जहां पे बीजेपी जो कि यूनियन गवर्नमेंट में है जिनकी यूनियन में गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करें स्टेट की पॉलिटिक्स में इसी वजह से आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमेशा आप देखेंगे गवर्नर के एक्शन पे जो है सो जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं वो गवर्नर के आ, हमेशा गवर्नर और उनके बीच में एक टसल जो है वो चालू ही रहती है एंड जी कहीं ना कहीं कभी ना कभी और स्पेशली अपोजिशन रूल्ड स्टेट में होगा क्योंकि जहां पे सेम पार्टी है जैसे कि एमपी हो गया यूपी हो गया यहाँ पे कभी आप नहीं सुनेंगे क्योंकि अपॉइंट करने वाले जो हैं वो भी बीजेपी हैं बीजेपी के मिनिस्टर्स ने एडवाइस दिया है प्रेसिडेंट को उन्होंने अपॉइंट किया है और जो स्टेट में गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी की है तो ठीक है इसमें दिक्कत नहीं होती लेकिन अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में आप हमेशा कहाँ का स्टोरी सुनेंगे आप केरला का स्टोरी सुनेंगे आप तमिलनाडु की स्टोरी सुनेंगे अभी फिलहाल के टाइम पे बात करूं मैं केरला में आप हमेशा सुनेंगे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स के बीच में तमिलनाडु में वेस्ट बंगाल में आप कुछ दिन पहले तक सुनते थे तो पंजाब में आप सुनेंगे पंजाब में कुछ दिन पहले तक होता था अभी कुछ दिन पहले कई न्यूज है पंजाब गवर्नर एंड वहां के स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टसल तो ये ऑपोजिशन रूल स्टेट का एक बड़ा कंप्लेन रहता है कि ये सिक्योरिटी रहे तो गवर्नर वो करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा बट ये भी गवर्नर तो जो करेंगे वो अच्छा लगेगा. लेकिन ये तो ना, लोगों के से ना उनके रिप्रेजेंटेटिव के मैंडेट से आए हैं ना तो डायरेक्टली इलेक्टेड है ना तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड तो है तो एक डेमोक्रेसी में इनको ये राइट right किसने दिया कि आप अपनी मर्जी का करें ये भी तो समझिए डेमोक्रेसी में तो लोगों की चलनी चाहिए गवर्नर को तो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है वो तो एक अपॉइंटेड ऑफिस है तो आपको ये राइट किसने दे दिया कि आप अपनी मर्जी का करें तो ये भी एक तरीके से सेंस बनाता है कि भाई आप तो इलेक्टेड ही नहीं है न, ना ना नाइंट आप तो सिर्फ एक अपॉइंटेड ऑफिस हैं तो जिन्होंने अपॉइंट किया है आप उनका तो करेंगे ही तो ये सब कुछ पॉलिटिक्स है जो गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड चलती रहती है हमेशा से ही चलती है तो गवर्नर का रोल हमेशा से स्कैनर में रहा है अब क्या रोल है ये देखते हैं तो देखिए हम पांच रोल इनके पढ़ेंगे जिसमें से ये इमरजेंसी पावर वाला रोल हम इमरजेंसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जो हम एक क्लास में इमरजेंसी में आपको पढ़ा दूंगा उसमें आप देखेंगे वैसे इसमें कुछ है नहीं बस ये रेकमेंड करते हैं बताऊंगा क्या है तो ये मेनली इनके चार रोल हैं जो ये चार रोल हैं दे आर वेरी सिमिलर टू द रोल ऑफ प्रेसिडेंट उनके भी हमने एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव पावर फाइनेंशियल पावर जुडिशियल पावर ये सब चीजें हमने उनकी देखी थी करेक्ट आपने भी देखी थी हम आपने रिवाइज भी किया होगा आई होप ठीक तो ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये तो वही एग्जीक्यूटिव पावर हैं जो प्रेसिडेंट के थे जैसे कि जो डिसीजंस लिए जाते हैं जो डिसीजंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो इनके नेम में लिए जाते हैं दूसरी चीज कि ये अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो यही लेते हैं जैसे कि पहले तो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को भी यही अपॉइंट करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं जबकि कैसे जिनकी मेजोरिटी है लेकिन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को एडवोकेट जनरल को इन सारे लोगों को जो है सो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं ऑन द एड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा एड एंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या क्या आता है यही समन करेंगे हाउस को मिलने के लिए सॉरी डबल एम होता है समन में यही समन करेंगे यही हाउस को प्रोरोग करते हैं यही डिसॉल्व करते हैं बताया था ये सब आपको मैंने वही बात है कुछ कुछ और लेजिस्लेटिव पावर्स ऐसी हैं जैसे कि अभी हम देखेंगे अगले क्लास में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जैसे कि छह स्टेट में दो हाउसेस होते हैं ना तो वहां पे दूसरा हाउस है उसको लेजिसलेटिव काउंसिल बोलते हैं विधान परिषद तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट करने का काम गवर्नर साहब का है पहला सेशन जो होता है नए साल का हर साल का उसको ये एड्रेस करते हैं पहला दिन नई गवर्नमेंट जब आती है तो पहले दिन गवर्नर साहब हाउस में होते हैं क्योंकि वही प्रेसिडेंट साहब के साथ भी सेम चीजें थी तो ये सब बातें हैं एग्जीक्यूटिव पावर लेजिसलेटिव पावर यही है फिर उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल पावर उनके प्रेसिडेंट साहब के फाइनेंशियल पावर क्या थे कि वो यूनियन बजट को लेकर आते थे हाउस में बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड फाइन इनके फाइनेंशियल पावर क्या है कि ये स्टेट बजट को देते हैं वहां मनी बिल हमने पढ़ा था पार्लियामेंट में बड़े डिटेल में सब कुछ मनी बिल को प्रायर रिकमेंडेशन यूनियन के केस में प्रेसिडेंट की चाहिए होती है यहाँ गवर्नर की चाहिए होती है यहां भी कुछ कंटिजेंसी फंड जैसा होता है स्टेट में जैसे कि यूनियन में था ना कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इमरजेंसी टाइम के लिए प्रेसिडेंट के पास होता है तीन फंड्स पड़े थे हमने कौन कौन से फंड थे कमेंट्स में लिख के बताइए तो उसी तरीके से यहां पे कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट होता है वो गवर्नर साहब के पास रहता है प्रेसिडेंट साहब एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं हर पांच साल पे जो कि बताता है प्रेसिडेंट साहब जो थे प्रेसिडेंट साहब एक फाइनेंस कमीशन बनाते थे अंडर आर्टिकल 280 बनाते हैं ये फाइनेंस कमीशन इसका काम क्या है कि ये टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स सिमिलरली गवर्नर साहब जो हैं वो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज तो ये भी बनाते हैं तो ये भी फाइनेंस रिलेटेड पावर्स हो गए किन के पास गवर्नर साहब के पास बहुत बढ़िया बात है जुडिशियल पावर है कुछ जुडिशियल पावर में कुछ डिफरेंस है जुडिशियल पावर में डिफरेंस ये है कि इनके पास जो है ना कुछ लिमिटेड पावर्स हैं एज कंपेयर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है क्या लिमिटेड पावर्स हैं? ये थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी क्योंकि होता क्या है कि जब हमने प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो पार्डन कर सकते हैं रिप्राइव कर सकते हैं रिस्पाइट कर सकते हैं रिमिट कर सकते हैं सस्पेंड कर सकते हैं कम्यूट कर सकते हैं किसी भी ऑफेंस को किसी भी इंसान को जो सेंट्रल लॉ को वायलेट करता है सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट मिली हुई पनिशमेंट को पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब सिमिलरली गवर्नर साहब स्टेट लॉज के अगेंस्ट मिली हुई पनिशमेंट को पार्डन करते हैं एक चीज क्या है ना डिफरेंस कि गवर्नर जो है गवर्नर कैन नॉट पार्डन वॉट अ डेथ सेंटेंस अगर कोई डेथ सेंटेंस के बारे में आता है पार्डनिंग पिटिशन आती है गवर्नर साहब के पास प्रेयर पिटिशन आता है तो उसको वो पार्डन नहीं कर सकते हैं पार्डन क्या था कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देना मतलब पूरा ही खत्म कर देना मतलब आज आपको डेथ सेंटेंस मिला है अगर आपको पार्डन कर दिया इसका मतलब आप बिल्कुल फ्री मैन हो गए तो ही कैन नॉट पार्डन चाहे कोई भी लॉ प्रिस्क्राइब करे स्टेट लॉ या सेंट्रल लॉ इनके पास इतनी बड़ी पावर नहीं है डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का सिर्फ एक इंसान के पास पावर है दैट इज प्रेसिडेंट नॉट गवर्नर, ठीक है दूसरा क्या है कि मिलिट्री कोर्ट के जो डिसीजन होते थे ना उसको भी पार्डन जो है सो प्रेसिडेंट कर सकते थे लेकिन गवर्नर साहब के पास मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड कोई भी पावर नहीं एग्जिस्ट करती है ठीक है तो ये जुडिशियल पावर है कुछ और दूसरे जुडिशियल पावर्स भी है कुछ कुछ जिनको हम बोल सकते हैं जुडिशियल कैसे जैसे कि जो हाई कोर्ट के जजेस जब वो होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है जो लोकल कोर्ट्स हैं सिविल कोर्ट आपको आपके डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं जो तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं गवर्नर साहब करते हैं जब हाई कोर्ट की जज का अपॉइंटमेंट हो रहा होता है तो जो गवर्नर साहब हैं उनको भी कंसल्टेशन किया जाता है वैसे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हाईकोर्ट के जज को क्योंकि जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट बड़ी सेंसिटिव चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी तो ऐसे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और वहां भी कोलेजियम सिस्टम है लेकिन उसमें एक कंसल्टिंग टीम में गवर्नर साहब भी होते हैं ठीक है तो ये सब कुछ और जुडिशियल पावर्स हैं फिर आती है इमरजेंसी पावर्स इमरजेंसी पावर्स ऑफ द गवर्नर ये हमने प्रेसिडेंट साहब में भी बोला था कि हम इमरजेंसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो इमरजेंसी पावर्स हम इमरजेंसी वाला एक चैप्टर करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे तीन तरीके की इमरजेंसी होती है बट इमरजेंसी पावर्स में होता क्या है कि इमरजेंसी इज ऐसा टाइम जिस समय एक स्टेट में उसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं आप लोगों ने सुना होगा राष्ट्रपति शासन लग गया है तो वो तब लग जाता है जब गवर्नर साहब ये रिटन में दें कि जो ये राज्य सरकार है ये अब संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और मैं प्रेसिडेंट साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आकर के प्रेसिडेंट रूल लगाएं यहां पे क्योंकि ये जो सरकार है ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है जब ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाता है प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ठीक ये जो पावर है ना गवर्नर की रिटर्न रिकमेंडेशन देने की प्रेसिडेंट साहब को इसी को इमरजेंसी पावर बोलते हैं यही इमरजेंसी पावर है कि इमरजेंसी जो स्टेट में इंपोज होता है वो कैसे होता है तो गवर्नर साहब एक रिपोर्ट भेजते हैं प्रेसिडेंट को कि आप आके यहां पे राष्ट्रपति रूल लगाएं प्रेसिडेंट रूल लगाएं क्योंकि यहां की जो सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है ये इनका काम है ये इनकी ड्यूटी है इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि हमारे कंट्री के सेटअप को यही सिस्टम चाहिए था क्योंकि तो हमारे यहाँ उस टाइम पे बहुत मूवमेंट्स ऐसे होते थे आज भी बहुत जगह मूवमेंट्स चालू हैं तो हमारे यहाँ ऐसा चाहिए था ना कि एक इंसान जो कि रिकमेंड करे जो कि बोले कि नहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होगा तो आप इस गवर्नमेंट को डिसमिस कर दें और ऐसे इमरजेंसी में कुछ कुछ जैसे कि इस इमरजेंसी में जो है सो कुछ वैसी चीज़ें भी होती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डिसमिस हो जाएगी जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो नई गवर्नमेंट फिर से आएगी जब प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा तो तो ये सब काफी काफी बड़ी पावर है ये है ना बहुत बार इंडिया में प्रेसिडेंट रूल स्टेट्स में लगा है ये एक टूल बन गया है ये एक ऐसा टूल बन गया है जिसको पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो यूज करती हैं ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए या रिवेंज पॉलिटिक्स भी उसको बोलते हैं कि अगर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है तो वहां के गवर्नर तो अपने ही अपॉइंटेड आदमी हैं तो अपोजिशन रूल्ड स्टेट में जो है सो ये होना मतलब बड़ा कॉमन फिनमिना बन गया था एक टाइम था हिस्ट्री में जहाँ पे एक एक साथ पांच पांच छह छः आठ आठ स्टेट्स में जो है सो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था जस्ट बिकॉज कि वहां की ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीधा गवर्नमेंट गवर्नर उनको बोलते थे कि हाँ आप जो है सो प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए इस स्टेट में जस्ट बिकॉज की वो अपोजिशन रूल स्टेट है तो ये एक टूल भी बन गया है पॉलिटिक्स में इसको जब बनाया गया था तो सोचा गया था कि एक डेड लेटर रहेगा कि हम ऐसा प्रोविजन तो दे रहे हैं बट भगवान ना करे कि कभी ये यूज हो बट जितना ही इसको डेड लेटर रखा गया था उतना ही ये डेडली लेटर बन गया क्योंकि ये इतना ज्यादा यूज हुआ इतना ज्यादा यूज नहीं इतना ज्यादा मिस हुआ, हुआ इसका तो ये सब है प्रेसिडेंट वाले में हम देख लेंगे थोड़ा सा इमरजेंसी वाले चैप्टर में अगर हुआ तो रूल एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या आता है तो इसमें यह आता है कि एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें भी आपने देख लिया कि इनके पास इनका मेन काम यह है कि ये एग्जीक्यूटिव के चीफ हैं साथ ही साथ इंडिया में जो कॉजी फेडरल स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से मेंटेन रहेगा तो ये सारी चीज़ें ये इंश्योर करेंगे गवर्नर साहब के पास कुछ पावर्स हैं एज एजेंट तो ये क्या करते हैं ना कि ये अगर मान लीजिए स्टेट की लेजिस्लेचर है उसने एक बिल को पास किया वो बिल गया गवर्नर के पास साइन के लिए सिमिलर प्रोसीजर जैसे पार्लियामेंट के साथ था वो गया प्रेसिडेंट साहब गवर्नर साहब के पास वो जब गवर्नर साहब के पास गया तो गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं उसको अप्रूव कर सकते हैं उसको डिनाई कर सकते हैं उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं और इनके पास एक एडिशनल पावर है कि ये उस बिल को प्रेसिडेंट साहब के पास भेज सकते हैं ये अप्रूव प्रेसिडेंट साहब के पास क्या क्या पावर थे कि वो अप्रूव कर दें मना कर दें या रिकंसिडर करने के लिए दोबारा देखने के लिए भेज दें हाउस को या फिर कुछ ना करें प्रेसिडेंट साहब के पास चार ऑप्शन थे इनके पास पांच ऑप्शन है पांचों ऑप्शन क्या है कि एक स्टेट गवर्नमेंट का बिल प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास भेज सकते हैं कि आप देखो इस बिल के बारे में मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है समझ समझने बात तो ये एक एडिशनल पावर आ गई ये भी एक एजेंट वाला ही काम हुआ ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट का बिल भेज दिया जबकि जो भी इन्होंने जिन्होंने भी बिल बनाया है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं स्टेट के और उनका बिल गवर्नर साहब ने गवर्नर साहब कौन जिनको यूनियन ने अपॉइंट किया था उन्होंने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास कौन प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड तो ये एक एज ए एजेंट काम हुआ दूसरा इमरजेंसी वाला भी एजेंट का काम हुआ कि ये बोल देंगे कि हाँ सीधा जो है सो इमरजेंसी लगा दो यहां पे नहीं चल रही इन्हीं के रिटर्न रिकमेंडेशन से जो है सो इमरजेंसी हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट चली गई तो इनके पास ये सब कुछ पावर्स हैं जो बताता है कि ये एज ए एजेंट काम करते हैं यूनियन गवर्नमेंट के जिसकी वजह से इस ऑफिस को लेके कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हमेशा आपको न्यूज में मिलता रहेगा कि हाँ इनके रोल पे हमेशा क्वेश्चन उठेगा क्यों उठेगा क्योंकि ऑफकोर्स ऑपोजिशन और कहां उठेगा ऑपोजिशन रूल स्टेट में ही उठेगा तो ये कुछ पावर्स हैं ऑफ द गवर्नर जो हमने देखी अब हम समझते हैं ये जो लेजिस्लेटिव पावर जो मैंने आपको बताया ये डिटेल में क्या है और कैसे ये काम करता है देखिए दो लेजिस्लेटिव पावर्स है ना वो कैसे काम करता है तो मान लीजिए एक बिल है जिसको गवर्नर के पास भेजा गया उनकी असेंट के लिए जी साहब आप एसेंट दें। हमने पास कर दिया हाउस में तो ये क्या कर सकते हैं ये एसेंट दे सकते हैं कि चलो ठीक है है बिल सही है, पास कर दिया मैंने बहुत बढ़िया ये मना कर सकते हैं एसेंट देने से यहां दोनों भी वही कंडीशंस हैं जो हमने पढ़ा था पहले सब सेम चल रहा है अभी तक ये रिकनसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि एक बार फिर से जरा तुम देख करके चेक कर लो कि हाँ सही है या नहीं मुझे सही नहीं लग रहा सस्पेंसिव वीटो कहते हैं इस चीज को बताया था शायद मैंने आपको कभी सस्पेंसिव वीटो कहते हैं इसको रिकंसिडर करने वाली चीज को और इनके पास एक चौथा पावर बड़ा अच्छा सा है एक तो पावर ये भी है कि हाँ ये मतलब आ, कोई एक्शन ना ले नो no एक्शन का भी पावर है पॉकेट वीटो जिसको कहते हैं कि अपने पॉकेट में डाल लिया और कोई वो भी है और एक पांचवा पावर ये है एक नया पावर ये है कि ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जो है सो इस बिल को रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये बिल भेज दिया ये जो बिल इनके पास आया ना ये गवर्नर साहब ने ये सब नहीं करके प्रेसिडेंट के पास भेज दिया इस बिल को सीधा सर आप देखिए अब जब ये बिल गया प्रेसिडेंट साहब के पास तब क्या ऑप्शन है अब देखिए कॉज़ी फेडरल नेचर यहां फिर से दिखाई देगा आपको प्रेसिडेंट साहब हाँ बोल सकते हैं कि ठीक है भाई बिल ठीक है पास कर दो स्टेट तुम्हारा ये बिल ठीक है तुम पास कर दो ये बोल सकते हैं दूसरा बोल सकते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा ये बिल पास नहीं होगा तुम्हारा ये बिल अच्छा नहीं है स्टेट तीसरा क्या है कि ये भी रिकंसिडर करने के लिए भेज सकते हैं कि देखो एक बार फिर से तुम देख लो प्रेसिडेंट साहब ये भेज सकते हैं लेकिन आप एक चीज याद रखो ध्यान रखो याद करो कि ये जो रिकंसिडरेशन वाली पावर थी प्रेसिडेंट के पास विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन बिल्स जो पार्लियामेंट इनके पास बिल्स भेजता था उसकी जो रिकंसिडरेशन पावर थी ना वो सिर्फ एक बार ये यूज कर सकते थे ये एक बार भेज सकते थे तो इनके लिए मैंडेटरी होता था एसेंट देना करेक्ट सही बात है लेकिन देखो कॉजी फेडरल में क्या है कि हमने इससे थोड़ा सा ना वीक कर दिया स्टेट गवर्नमेंट्स को

जो हमने अभी ही समझ लिया है क्योंकि गवर्नर का रोल इसमें आ रहा था ठीक है अब आते हैं ऑर्डिनेंस हमने ऑर्डिनेंस पढ़ा था जब क्या था प्रेसिडेंट वाले में जब लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों में से कोई भी एक सेशन में नहीं है तीन सेशन हमने पढ़े थे ना कौन कौन से तीन सेशन है बजट सेशन मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन मान लो कि इन दोनों सेशन के इन तीनों सेशन के बीच का ऐसा टाइम है जहां पे कोई सेशन में नहीं है इन दोनों में में से कोई सा एक हाउस सेशन में नहीं है और तब कोई एक इंपॉर्टेंट मैटर पे लॉ बनाना आ गया हो सकता है कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसपे कानून बनाना है तो प्रेसिडेंट साहब के पास एक पावर होता था कि वो ऑर्डिनेंस बनाते थे सिमिलरली गवर्नर साहब के पास भी पावर है कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली या जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे दोनों में से कोई एक या फिर जहां पे सिर्फ वाइस स्टेट में जहां सिर्फ एक ही हाउस है वहां पे अगर ये सेशन में नहीं है तो गवर्नर साहब प्रोमलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस ये किसके एड एंड एडवाइस पे करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये किसके एड एंड एडवाइस पे करते हैं ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेम है ठीक अब ये उन मैटर्स पे ऑर्डिनेंस देते हैं प्रेसिडेंट साहब जो जिस पे पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेवेंथ स्केड्यूल है जिसमें यह दिया गया है कि यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट ये तीन लिस्ट हैं यूनियन गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है वो उनके लिस्ट में दिया है जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आएगा कि लेजिस्लेचर कौन मैटर पे लॉ बना सकती है ये इस लिस्ट में दिया है सिमिलरली स्टेट में दिया है सिमिलरली कंकरेंट है जहां पे दोनों कर सकते हैं यूनियन प्लस स्टेट तो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट साहब उन्हीं मैटर्स पे दे सकते हैं जो यूनियन के लिस्ट में आती है या कंकरेंट में आती है स्टेट वाली पे नहीं ऑर्डिनेंस होगा लेकिन गवर्नर साहब जो है वो किस चीज पे ऑर्डिनेंस दे सकते हैं स्टेट एज वेल एज कंकरेंट इसमें यूनियन नहीं आएगा तो दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन्स में ऑर्डिनेंस रोल आउट कर सकते हैं ठीक है सिमिलरली यहां भी था कि ऑर्डिनेंस का सेम आ, पावर है जो एक लॉ का है है ना सिमिलरली एक ऑर्डिनेंस का स्टेट में भी वही पावर है जो एक स्टेट लॉ का है ठीक है ऑर्डिनेंस को वापस प्रेसिडेंट्स आप भी ले सकते थे ये भी ले सकते थे तो अगर ऑर्डिनेंस पावर आप दोनों में से किसी एक का याद कर लें समझ लें अच्छे से तो दूसरे का आपके लिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ठीक है अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमने ऑर्डिनरी बिल के रिलेटेड में देख लिया कि क्या था चलो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक इस से आने से पहले एक बार पहले देख लेते हैं ऑर्डिनरी बिल है अगर तब तो ये प्रोसीजर है दिस इज फॉर ऑर्डिनरी बिल है ना दूसरा एक आता था मनी बिल मनी बिल आता था मनी बिल में भी जैसा है प्रेसिडेंट के साथ सिमिलर वैसा ही है गवर्नर के साथ एक्सेप्ट वन थिंग एंड दैट इज दिस सेम कि ये गवर्नर के पास अगर कोई मनी बिल आएगा तो देखो मनी बिल हमने क्या समझा था कि मनी बिल में देर इज नो रिकंसिडरेशन थिंग मनी बिल में देयर इज नो रिकंसीडरेशन क्योंकि मनी बिल को या तो एसेंट दो या मना कर दो तो ये सेम है बस एक एडिशनल पावर क्या आ जाता है ये मनी बिल में नहीं होता सी जो यहां लिखा है ये वाला मनी बिल में नहीं है नॉट फॉर मनी बिल्स लेकिन गवर्नर के पास एक एडिशनल पावर ये है कि मनी बिल को भी वो प्रेसिडेंट साहब के पास भेज देंगे अब जब गवर्नर से भेजा हुआ मनी बिल आएगा प्रेसिडेंट के पास तो उनके पास भी यही से सेम चीजें हैं कि या तो वो बोल दें कि हाँ ठीक है या बोल दें नहीं ठीक है वो भी वापस नहीं करेंगे वो भी नहीं भेजेंगे रिकंसिडर करने के लिए ठीक है बहुत बढ़िया बात ऑर्डिनरी बिल मनी बिल समझ में आ गया ऑर्डिनेंस वाला हमने इस चार्ट से देख लिया ऑर्डिनेंस में तो लगभग सब कुछ सेम है सब कुछ सेम है ठीक है अब वही हमने ऑर्डिनेंस में पढ़ा था छह वीक तक उसकी लाइफ होती है अगर पास नहीं किया तो एंड ऑल अब कुछ नहीं पार्डनिंग पावर हमने दोनों की देख ली तो आपको समझ में आ रहा है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर फाइन फाइनेंशियल जुडिशियल इमरजेंसी पावर्स पार्डनिंग पावर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स लेजिस्लेटिव पावर्स ये सारी पावर जो है सो कहीं ना कहीं सिमिलर है बस कहीं कहीं गवर्नर एक एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ये भी बात एक आ जा रही है यही है और तो कुछ नहीं है तो अब हम समझते हैं कि क्या बात है क्या इश्यूज़ हैं। तो देखिए इश्यूज़ समझने के लिए आपको बात समझिए पहले पहला इशू तो यह है कि सेंटर द्वारा अपॉइंटमेंट इसमें क्या इश्यू है गवर्नर के ऑफिस के साथ क्यों क्रिटिसिज्म में रहता है अपॉइंटमेंट आप खुद ही सोच के बताएं पहला ना तो डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली एंड नॉट इनडायरेक्टली अपॉइंट इलेक्टेड है ठीक है। दूसरा क्या है कि जो अपॉइंटमेंट होता है ना ये एक तरीके से आप ऐसे समझें कि एक ये फेवर होता है फॉर एग्जाम्पल जनरली प्रॉब्लम कहा आ जाती है जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है वो कहां आ जाती है इस ऑफिस के साथ कि होता क्या है कि मान लीजिए सेंटर में जो गवर्नमेंट है जिस पार्टी की उस पार्टी के कुछ लॉयलिस्ट होंगे उस पार्टी के कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स कुछ ऐसे जजेस uh, हो सकते हैं या कोई ऐसे अदर डिग्निटरीज कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस पार्टी के लिए फेवर किया होगा अब उनका फेवर रिटर्न करने के लिए उनको किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाता है क्योंकि क्वालिफिकेशन के नाम पे तो कुछ भी नहीं है मजाक है तो ये जो चीज आती है ना हाँ सरकार कमीशन ने क्या बोला कि भाई आप ये फेवरेबल अपॉइंटमेंट्स मत दीजिए आप एक्टिव इंसान को उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए ताकि ये चीज ठीक हो क्योंकि अगर ये लॉयलिस्ट उस स्टेट में जाएंगे तो ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयल होंगे जिसकी वजह से ये अगर ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है तो वहां पर हमेशा यह टसल होगा और आपको एक बात समझनी होगी ना कि जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है वो भी तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है ना वो भी तो वहां के लोगों ने वोट दे के डायरेक्टली इलेक्ट किया है तो अपोजिशन रूल्ड स्टेट भी जो है वो भी तो डेमोक्रेटिक है उसको ये फेवर पोस्टिंग की वजह से अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अंडरमीन किया जाए अंडरमाइन किया जाए तो ये तो कहीं से भी डेमोक्रेटिक चीज नहीं है ये तो गलत है तो ये एक जो चीज आ जाती है ना कि आप एक फेवरेबल अपॉइंटमेंट देने लगते हैं आप अपना फेवर रिटर्न करते हैं कि अच्छा तुम जब उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे तो तुमने ये फेवर किया था चलो मैं तुम्हें अब तुम रिटायर हो गया तो मैं गवर्नर बना देता हूं वहां का इस वजह से इसका एक दूसरा प्रोसेस भी शुरू हो जाता है कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे फेवर्स लेने के लिए कुछ ब्यूरोक्रेट्स जजेस एंड अदर लोग जो हैं ये दिखाते भी हैं बायस अप्रोच उनको लगता है कि नहीं नहीं ये जो सरकार है ये सरकार के साथ अगर मैं अगर भले मैं जस्टिस ना करूं लेकिन इस सरकार का फायदा करा दूं तो क्या पता मुझे दे दें बढ़िया गवर्नर बना दें कहीं का और मैं मस्त बिल्कुल अपना गवर्नर बनकर राज करूंगा राजभवन में तो ये जो प्रॉब्लम आ जाती है ना ये कही न कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट कर देती है अपॉइंटमेंट इस तरीके का इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने सेट किया था ताकि इंडिया का जो यूनिटी इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहे लेकिन पॉलिटिक्स आकर के इसको रिविन कर रहा है थोड़ा बहुत ये एक इशू है दूसरा रिमूवल जहां किसी गवर्नर ने ऐसा डिसीजन लिया जिस डिसीजन में यूनियन गवर्नमेंट के वो डिसीजन अगेंस्ट गया या बना तो दिया एक ऐसे इंसान को गवर्नर लेकिन अल्टीमेटली वो जो गवर्नर हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं उस तरीके से वो तो ज्यादा ही या तो गलत फंक्शन कर रहे हैं या ओवर जैसे यूनियन गवर्नमेंट चाहती थी वैसे फंक्शन नहीं कर रहे हैं रिमूव करने का कोई प्रोसीजर नहीं है अरे भाई हमने प्रेसिडेंट साहब के बारे में देखा था है ना कितना मुश्किल है इंपीचमेंट आपको याद होगा हमने जब प्रोसेस देखा था कि टू थर्ड ऑफ द तो टोटल तो तो मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए इतनी मुश्किल मेजोरिटी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल आपने देखा कितना मुश्किल था दोनों हाउस में हमने पढ़ा लेकिन गवर्नर साहब का रिमूवल क्या है आज मन किया ना पंद्रह मिनट के अंदर में एक सर्कुलर निकाल देंगे कि हाँ, आप गवर्नर आपको हम हटा रहे हैं कोई कुछ नहीं कहने वाला इतना आसान है तो ये तो हमेशा जो है एज पे है ना गवर्नर साहब ये तो हमेशा यहां एज पे है ये कभी भी तलवार इनके ऊपर गिर सकती है तो इनको तो हमेशा डर के काम करना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट से तो ये जो इससे रिलेटेड जो पॉलिटिक्स होती है कि जहां कोई गवर्नर ने अगर अच्छा काम किया तो उनको रिमूव कर देना है अच्छा काम इन द सेंस कि नॉर्मल काम किया लेकिन वो यूनियन गवर्नमेंट को इंटरेस्ट को जो है सो so नहीं फुलफिल कर रहा है रिमूव कर दो दूसरा क्या है मिस यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स डिस्क्रिशनरी पावर्स में क्या पावर्स आते हैं जैसे कि डिस्क्रिशनरी पावर्स में आ जाता है कि रिजर्विंग द बिल फॉर प्रेसिडेंट ये जो बिल है इसको रिजर्व करना फॉर प्रेसिडेंट इज पावर वो अपनी मर्जी से रिजर्व कर देते हैं बिल फॉर प्रेसिडेंट अब ये जो रिजर्व करना है ये आप तब रिजर्व करें ना जब उस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी ना किसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रेटन कर रही है डीपीएसपी को थ्रेटन कर रही है या फुलफिल नहीं कर रही है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं और उस पर डील कर रही है अगर कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट का या यूनियन गवर्नमेंट का इनपुट लेना जरूरी है आप तब रिजर्व करें कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए आपको ये पावर दिया है लेकिन आप इसलिए रिजर्व कर रहे हैं क्योंकि ये ऑपोजिशन रूल स्टेट है आपको लगता है कि अगर ये बिल ये सरकार पास कर देगी तो हो सकता है इस सरकार की वाहवाही बहुत ज्यादा हो जाए जिससे मेरी जिससे लॉयल्टी है उसकी आ, उस चीज की जो इंपॉर्टेंस है उसकी जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाए तो मैंने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए जस्ट रिवेंज पॉलिटिक्स ये चल रहा है सब क्या अच्छा ठीक है मैं मेरी तुम्हारी सरकार से नहीं बनती मैं जो है तुम्हारे बिल्स जो तुम मुझे दोगे मैं रिजर्व कर दूंगा प्रेसिडेंट के लिए तो ये है दूसरा इमरजेंसी वाला मैंने बोला था कि ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास कि इमरजेंसी लगा दो अब ये भी एक डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज है कि मेरी मर्जी मैं भेज दूंगा ऐसे ही किसी को जब मेरा मन किया मैंने भेज दिया कि हाँ नहीं मुझे नहीं लग रहा कि के हिसाब से चल रहा है सरकार आप वो कर दें प्रेसिडेंट रूल लगा दें दूसरा क्या है कि जब किसी पार्टी के पास इलेक्शन हुए किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं आए उस समय ये क्या करेंगे उस समय ये जो है सो किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना देंगे बिना उसके मेजोरिटी होने के टाइम भी गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी वहां भी है ना तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब जो डिस्क्रिशनरी पावर है इसका मिसयूज़ अगर होगा पावर दिए गए हैं ताकि यूनिटी इंटेग्रिटी रहे, वो सब बहुत लॉजिकली दिया लेकिन उस पावर का मिस करना इज अ वेरी बैड थिंग रिहेबिलिटेशन पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ वही वा लॉयल्टी वाली पोस्टिंग कि आप लॉयल्टी हैं आप लॉयलिस्ट हैं तो आपको हमने रिहैब करने के लिए दे दिया गवर्नर का पोस्ट गलत अब पोजिशन भी सिमिलरली आपका पोजिशन है इतना अगर आपको है कि भाई ऐसा चीफ मिनिस्टर बने जिसके पास मेजोरिटी हो लेकिन आप अपने पोजिशन का अब्यूज कर रहे हैं क्योंकि आपके पास तो ऑफिशियल एक्ट के लिए इम्यूनिटी है तो आप गलत कर रहे हैं आप अपने डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और इट सेक्टर इट सेक्टर और दूसरी लास्ट आता है पार्टीजन रोल मतलब आप अपना ऑफिशियल रोल ना करके आप एक पार्टीशन रोल दिखा रहे हैं आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ना फॉलो करके आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करके आप एक पार्टी जिससे आप एफिलिएशन रखते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी आप उस पार्टी का फेवर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है कि जब जरूरी हो जब राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर जाए तब आप इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट साहब को रिकमेंड करें लेकिन आप तब कर रहे हैं जब वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसा चाहती है आप किसी एक पार्टी का फेवर कर रहे हैं और दूसरे पार्टी का डिसफेवर कर रहे हैं इसका मतलब आप एक पार्टीजन रोल में हैं और ये जो सारी चीजें हैं ये जो सारे प्रोसीजर्स चलते रहते हैं स्टेट्स में इस वजह से जो है जो, जो गवर्नर का रोल है इज ऑलवेज अंडर स्कैनर एंड ये सारी चीजें जो गवर्नर का ऑफिस है उसको कहीं ना कहीं हमेशा आपको न्यूज में रखती हैं कि हाँ भाई कुछ ये हो गया किसी स्टेट के गवर्नमेंट में ऐसे हो गया कहीं ऐसे हो गया तो ये सब जो है सो चीजें हैं जो ऑफिस ऑफ उफ गवर्नर से रिलेटेड हैं जब हम स्टेट अगले क्लास में हम स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ये दोनों एक ही साथ पढ़ लेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर हैं जो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जो हमने प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट में पढ़ा था बस लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जानना है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे और फिर हमारा अब हमारा पॉलिटी मैंने आपको बता ही दिया था पॉलिटी का हमारा मेजर पिलर जो है वो कंप्लीट हो गया है तो अब आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए स्टार्टिंग से क्योंकि अब जो चैप्टर्स हैं वो इतने मुश्किल नहीं है वो मुश्किल क्या हो कुछ नहीं है वो बस पहले जो हमने पढ़ा है आपको अब समझ में आ रहा है क्या पैटर्न है और वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है तो अब रिविजन शुरू कर दीजिए ज्यादा क्लासेस भी नहीं बचे हैं तो हम अब जो कोर पॉलिटी है उसको एंड ही करेंगे स्टेट भी हो जाएगा यूनियन भी हो जाएगा उसके बाद एक दो बस पेरीफेरल चैप्टर्स बचे हैं जैसे एक दिन हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में देख लेंगे कि पंचायत और म्यूनिस्पैलिटीज कैसे होते हैं एक मुझे आपको फेडरलिज्म पढ़ाना है वो थोड़ी देर में देख लेंगे और फिर उसके बाद क्या है एमरजेंसी पावर्स हैं वो भी थोड़ा सा देख लेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बाकी आप अपने बुक जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए उसको पढ़िए तो बस यही है एंड करते हैं ये वाला क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव को ख़त्म करते हैं उसमें ठीक है थैंक यू हैव अ गुड डे